आज हम पढ़ेंगे अध्याय बुक से पाठ 7। विषय है तीन बहन। यहाँ तीन बहन के बारे में बताया गया है। वो तीन बहन है गर्मी, सर्दी और वर्षा। ये तीन बहन के बारे में ठीक है कहानी है कि पेड़ को कैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा ये तीनों को झेलना पड़ता है, अपने आप को बर्दाश्त करना पड़ता है, खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर हमें कहानी आज पढ़ना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शांत भाव से खड़े वृक्ष ने घास को कुमलाते देखा। कुमलाते मिस होता मुरझा जाना। उसने घास से इसका कारण पूछा। इतने में उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया। वृक्ष ने देखा गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही थी। उसे घास के कुम्हलाने का कारण पता चल गया था। निकट आने पर उसने पूछा, गर्मी बहिन यू कहाँ भागी जा रही हो? वह बोली, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है। सभी तालाब सूख गए हैं। ऐसे मैं शरीर को कहाँ ठंडा करूं? इसलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। इतना कहकर गर्मी चली गई। वृक्ष बहुत दिनों तक अपने जड़ों में पानी की आवश्यकता अनुभव कर रही थी। कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छा गया। जोर से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा। घास की कुमलाहट दूर हुई। वृक्ष के पत्ते भी धुले धुले से और साफ नजर आने लगे। वृक्ष और घास एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। पानी बरसते रहने से वृक्ष के आसपास पानी भर गया। कीचड़ भी बहुत हो गई थी। इतनी अधिक वर्षा से वृक्ष भी परेशान हो गया था। कुछ दिनों बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी। अरे ये तो वर्षा ऋतु है बहिन, वर्षा कहाँ भागी जा रही हो? उसने पूछा। वर्षा बोली, भाई वृक्ष देखते नहीं चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने को भी रास्ता नहीं। मैं तो जाती हूँ सर्दी बहन की खोज में। इतना कहकर बौछारे छोड़ती वर्षा चली गई। अब वृक्ष को ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे। कुछ दिनों तक तो वे झोंके उसे अच्छे लगे, परंतु अब वे और अधिक ठंडे हो गए थे। इधर 4 दिनों से सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं हुए। आकाश में कोहरा छाया रहता। धूप ना निकलने से ठंड और भी अधिक बढ़ गई थी। समय व्यतीत होता गया। इतनी भयंकर सर्दी से सभी परेशान हो गए थे। पेड़ को भी और अपनी पत्तियां छोड़नी पड़ रही थी। वह भी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब सर्दी उसके मार्ग से गुजरेगी। एक दिन सर्दी उधर से आ ही निकली। वृक्ष ने उसे रुकने को कहा तो वह बोली, भाई मेरे अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं। मैं गर्मी की खोज में ही जा रही हूँ। चिलचिलाती धूप ही मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। वृक्ष बोला, बहिन ठीक कहती हो। तुम तीनों गर्मी, सर्दी और वर्षा के आने और चले जाने में ही हमारी भलाई है। शब्दार्थ देख लीजिए। शांत चुपचाप वृक्ष, पेड़, कुमलाना, मुरझाना, आवश्यकता, जरूरत, अनुभव, महसूस, व्याकुलता, बेचैनी, प्रतीक्षा, इंतजार, मुक्ति, छुटकारा।